को हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ पैकिंग करने, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो कहाँ जाना है, किस काम से जा रही हूँ, आगे वीडियो में बताऊँगी, तो आप बने रहिएगा। और मैं फ़र्स्ट टाइम कहीं अकेले जा रही हूँ, अकेले इन द सेंस कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं जा रहे हैं, मैं अपनी किसी और ग्रुप के साथ जा रही हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं अकेले बाहर बच्चों और हस्बैंड को छोड़ के जा रही हूँ। तो उसके लिए मेरी पैकिंग होने जा रही है, कल मुझे निकलना है सुबह में। तो मैं फटाफट पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह एकदम 5 बजे ही मुझे घर से निकल जाना है। तो ये रहा मेरा ट्रॉली, इसके अंदर मैं अपने सारे कपड़े रख लेती हूँ। और इस बैग में मैंने सारे सामान रख लिए हैं, जो भी है, थोड़े बहुत मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने हैं, और बहुत ही ज़रूरी काम से। काफ़ी एक्साइटेड है हम लोग जिस काम के लिए जा रहे हैं, तो आगे मैं डिस्क्लोज करूँगी कि किस काम के लिए जा रहे हैं। और फिर ये देखिए, मैंने एक नया पर्स मंगाया है, तो मैं इसे भी लेके जा रही हूँ। तो इसके अंदर ये जो रहता है ना प्लास्टिक, इसे मैं रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि अगर मैं इसे दूसरा पर्स यूज करना है और इस पर्स को रखना है, तो उसके अंदर मैं डाल के फिर से रखती हूँ, तो ये ख़राब नहीं होता है। तो ये मैं इसे रख दे रही हूँ। वैसे तो ये टाइट है, दबने का चांस नहीं है, फिर भी मैं सारे पर्स जब रखती हूँ जिसको यूज़ नहीं करना, तो ऐसे प्लास्टिक डाल के रखती हूँ, तो सही रहते हैं। ये दो पर्स मैं लेके जा रही हूँ, इसको मैं पैक करके ले जाऊँगी, इसको लेके जाऊँगी, और उससे मैं वहाँ जिस दिन मेन काम के लिए हम लोग जा रहे हैं उस दिन इसको यूज़ करूँगी। और ये सारा कपड़े, ये है मेरे कपड़े अभी फिलहाल, और कुछ एक साड़ी है जो कि टेलर के पास है, मैंने पॉल कुको के लिए दिया था, तो वो अभी आ जाएगी। काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। काम तो हम करेंगे ही करेंगे, जिस काम से जा रहे हैं हम घूमेंगे भी एक फ्रेंड सर्किल के साथ। फर्स्ट बार नौकरी के बाद पूरी मेरी फ्रेंड सर्किल रहेगी, जिसके साथ हम हॉस्टल में रहे हैं वो सभी लोग आ रहे हैं। और क्या काम है आगे मैं बताऊंगी। तो चलिए फटाफट पैकिंग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, रात के 11 बज रहे हैं और मैंने सुबह की सारी तैयारी कर ली है। यहाँ पे मैंने ये सत्तू की बाटी है बना के रख लिया है, इसको ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी, सुबह बस इसको फ्राई करना रहेगा। और कल फ्राइडे है, तो बच्चों के सैंडविच है, चीज़ सैंडविच, तो आलू मैंने बॉयल कर दिया है, सुबह इसका मसाला तैयार कर दूँगी, तो हस्बैंड जो है सैंडविच बना के उन लोगों को टिफ़िन में दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने सुबह के लिए यहाँ चटनी बना ली है, चटनी इमली की मेरी कल की थोड़ी बची हुई थी, तो उसमें मैंने आमड़े की चटनी बना के इसमें मिला दिया है। तो बाटी और चटनी मैं लेके जाऊंगी सुबह सफ़र के लिए। तो ये हमारी ट्रिप प्लानिंग है कल की। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 3:20 हो रहे हैं, मैं 3:10 पे जगी थी, अभी भोर का टाइम है। और मैंने यहाँ पे ये आलू का मसाला तैयार कर लिया है सैंडविच के लिए, और यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है ताकि मैं ये बाटी को तल सकूँ। तो इसको मैं करके फिर मैं आगे नहा धो के तैयार होना है। सो आगे देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। फ्रेंड्स, सुबह के 4:15 हो चुके हैं, यहाँ पे मेरी बाटी बन चुकी है और ठंडा भी हो गया है, अभी इसको पैक कर लेते हैं। मैं नहा चुकी हूँ, पूजा भी कर लिया है, क्योंकि कल बृहस्पति का व्रत था, तो आज शुक्रवार है, पारण है, इसलिए मैंने ये बनाया भी है ताकि कल व्रत था, भूख लग जाएगी और कुछ चटपटा खाने का मन करेगा। पता नहीं ट्रेन में क्या मिलेगा क्या नहीं, ट्रेन की चाय वगैरह भी तो अच्छी नहीं लगती है। सो अभी इसको पैक कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं तैयार होने। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, और 5 बजने में 10 मिनट बाकी है,
और देख सकते हैं सुबह सुबह कितना पसीना हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी चलते हैं, बच्चों को जगाते हैं, बोले थे कि सुबह जगा दीजिएगा, तो अभी इनको जगाते हैं। अब पता है रात को लौर हो रहा था कि मम्मी जा रही है, मैं दो दिन के लिए जा रही हूँ, लोगों को छोड़ के, तो रो रहा है। और ये दो दो महीना छुट्टियों में दादी के यहाँ जाते हैं, तब नहीं मम्मी की याद आती है और ना फ़ोन से भी सही से बात करता है खेलने के चक्कर में। अब मैं दो दिन के लिए जा रही हूँ तो रो रहा था बहुत रात को, तो बोला था मम्मी सुबह जगा देना मुझे। फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल रेडी हूँ और बस निकलना है, लेकिन ब्रश करने के बाद मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो हस्बैंड ने मेरे यहाँ पे चाय बना के दिया है, वो मैं पी रही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, इसको पीने से और ज़्यादा गर्मी हुई, तो मैंने बस थोड़ी सी चाय पी थी। और यहाँ पे मैं अपने बच्चों को जगा रही हूँ, क्योंकि निकलने से पहले उनसे मिलना है, और उन लोगों ने भी बोला था जगाने के लिए। सो मैं यहाँ पर जगा के थोड़ा सा उन लोगों से प्यार दुलार करूँगी, फिर निकलूँगी। तो वो लोग नींद में थे, अगर नहीं भी जगते तो फिर बाद में रोते कि मुझे जगाया नहीं। तो मैं यहाँ से नींद में ही लव को जगा के बैठा दिया मैंने उठा के, तो फिर इसकी नींद खुल गई थी और सुबह नहीं रोया, रात को ही रो रहा था। और इस तरह से ये मेरी विदाई कर रहा है। और जब मैं ड्यूटी भी जाती हूँ तो डेली का इसका ये रूटीन है इस तरह से। और श्रेया को तो मुझे टच भी नहीं करने देता अभी सुबह सुबह का टाइम, इसलिए कुछ नहीं बोला। अभी फाइनली मैं घर से निकल रही हूँ और हस्बैंड मेरे रोड तक छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि साथ में और लोग हैं वहाँ से, तो ऑटो पर बैठा देंगे। और बच्चों को स्कूल भी भेजना है, तो इसलिए वो रहेंगे, तो बच्चों को टिफ़िन बना के भेज देंगे। फाइनली हम लोग अभी स्टेशन आ चुके हैं, बनारस का कैंट स्टेशन है, और साथ में ही मेरी सीनियर है। ये यादगार बनाएंगे, हाँ चल रही है बना रही है। अभी और लोग भी आ गए, दीदी आ रही है पीछे धीरे धीरे। कानपुर सेंट्रल, ये रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक। अभी हम लोग ट्रेन में चढ़ चुके हैं और ये चेयर आने वाली बोगी है, और 6 बजे इसकी टाइमिंग है यहाँ से खुलने की, और 10-15 पे हमें छोड़ देगी हमारी डेस्टिनेशन पे। सो काफ़ी मज़ा आया इस तरह से ग्रुप के साथ ट्रैवलिंग करके। और कुछ सीट आगे थी, कुछ पीछे थी, तो हम लोग आगे पीछे अपना आगे जाके एंजॉय कर रहे थे। तो ये दोनों लोग मेरे ही बैच की हैं, ये वंदना और ममता दी, हम दीदी बोलते हैं, और ये हमारी सीनियर्स हैं। तो इन लोग के साथ मेरी सीट थी, लेकिन कोई बात नहीं, सब लोग ना बहुत एंजॉय कर रहे थे, आगे पीछे आ जा रहे थे, कभी इनकी सीट पे बैठ के बातें कर रहे थे, कभी उनके सीट पे। यहाँ पे ये देखिए बैठी हुई हैं, क्योंकि इनकी सीट वाली दी बगल में चली गई हैं, फिर मैं आगे चली गई हूँ। तो सुबह का टाइम में एक कॉफ़ी हम लोग लिया और नमकीन के साथ इसको एंजॉय किया, कॉफ़ी बहुत टेस्टी थी, लग नहीं रही थी कि ये ट्रेन वाली कॉफ़ी है। और फिर ममता दी मिठाई लेकर आई थी, फिर हम लोगों ने मिठाई खाई। करीब ये 8 बजे का टाइम का समय है, क्योंकि इतने टाइम हम लोग कुछ ना कुछ नाश्ता कर ही लेते हैं। उसके बाद फिर मैं अपनी सीट पर आके बैठ गई हूँ, और उसके बाद फिर करीब 9:30 बजे हम लोग फिर नाश्ता करेंगे। मैं बाटी लेके गई थी, तो फिर हम लोग हमने बाटी निकाली, क्योंकि 10:15 तक हम लोग पहुँच जाएंगे, फिर कोई खाता नहीं, इधर उधर बिजी हो जाते। तो यहाँ पे बाटी और इमली की चटनी मैं लेकर गई थी, सबको काफ़ी पसंद आया और बहुत चटपटा भी बना था। मैंने नमक नहीं टेस्ट किया था बनाने से पहले। वो कह रहे थे वहीं पे कि वहाँ का समोसा फेमस है। ये है निहारा का समोसा, यहाँ का फेमस है, मंगा के खा, मीठा वाला हमको, लेकिन तीखी अच्छा लगता है, तीखी या खट्टी हो। नहीं नहीं, हमको तो मीठी वाली समोसा खट्टा, लेकिन बच्चों को ना समोसा और बाटी खाने के बाद फिर मैं अपने ग्रुप में यानी अपने बैचमेट्स के पास आ गई। उन लोगों ने मुझे बुलाया, देखिए 2 लोग की सीट है, लेकिन हम लोग 3 लोग बैठे हैं और काफ़ी मस्ती कर रहे हैं, वीडियो बनाए कि यादगार पल के लिए कि हम लोग साथ में जा रहे हैं, तो इस चीज़ को हमेशा याद करेंगे। वहाँ जाने के बाद बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। और यहाँ बीच में एक ये पड़ा हुआ था जगह, और यहाँ पर बगुले थे पेड़ के ऊपर, काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे वाइट वाइट ग्रीन के ऊपर, तो मैंने इसको शूट कर लिया है। एक जगह से आ रहे हैं, मौसम। अभी फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, एकदम टाइम से ट्रेन आई है, 10:15 पे हम लोगों को इसने यहाँ पे छोड़ दिया है। अभी आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कहाँ आए हुए हैं।
अभी बताए नहीं। फ्रेंड्स तो हम लोग आए हुए हैं लखनऊ, हमारे संघ का चुनाव है। जैसे कि सरकारी जॉब में होता है कि जो कर्मचारी होती है उसमें से मंत्री महामंत्री चुने जाते हैं और जो भी सरकारी काम है उसको वो लोग करवाते हैं, तो उसी संघ का चुनाव है। हमारे ऑल यूपी जितने मतलब स्टाफ हैं वो सब लोग यहाँ लखनऊ में चुनाव होने वाला है वहाँ आएंगे, और चुनाव होने वाला है कल, इसी के लिए हम लोग सब लोग पूरा इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ सबसे मुलाकात होगी, हमारे जितने बैचमेट्स हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, सब लोग आएंगे। सो फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। फ्रेंड्स तो ये रहा लखनऊ का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, जहाँ पर हमने पढ़ाई की, और यहीं पर चुनाव होने वाला है कल। काफ़ी हम लोग यहाँ इंजॉय किए हैं, घूमने फिरने भी गए हैं फ्रेंड के साथ, जिसकी वीडियो अपकमिंग आने वाली है। तो ये वीडियो को यहीं पर रखते हैं। सो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।